ये नरेंद्र मोदी जी ने प्रयोग किया था गुजरात के अंदर, जब राहुल जी गांधी जी कैंपेन कर रहे थे 17 के अंदर चुनाव में, तब एक प्रयोग किया था, मुझे नीच कह दिया। जब चुनाव में हारी थी पार्टी, वहां पर गुजरात चुनाव हारे थे वो लोग, आखिरी हत्या के रूप में उन्होंने कहा मुझे कांग्रेस नेता ने नीच कह दिया है। देखो भाइयों और बहनों, मैं नीच हूं क्योंकि मैं ओबीसी का हूं। ये तो शक्ति सिंह ज्यादा बताएंगे आपको किस रूप में उन्होंने गेम बढ़ने के लिए क्या क्या बातें बोली। वो भ्रम जेपी नड्डा जी को हुआ हुआ है, उनके नेताओं को, इसलिए जानबूझ करके परसों उन्होंने तय किया है आने वाले 6 अप्रैल से हम लोग अभियान चलाएंगे ओबीसी के बीच में। राहुल गांधी ने ओबीसी के नेता की बेइज्जती कर दी है, राहुल जिन्हें बेइज्जती क्या कर दी, वो ओबीसी के लोग हैं जो भाग के गए हैं, नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, ओबीसी के लोग हैं वो। तो भी बताइए, उनका बचा रहे हो, चोरों को बचा रहे हो और कह रहे हो राहुल गांधी ने बेइज्जती कर दी ओबीसी की। आप समझ रहे, जो गुजरात में प्ले कार्ड खेला था उन्होंने, वो कार्ड खेलना चाहते देश के अंदर। कांग्रेस ने जो ओबीसी के लोगों को दिया है, एससी एसटी को दिया है, कुछ सोच सकता है? आजादी के वक्त से ही राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, आपको मालूम है, प्राइम मिनिस्टर बनते ही पहली बार उन्होंने प्रायोरिटी किसको दी? आदिवासियों को दी। पूरे देश भर के अंदर वो उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में गए बताने के लिए, मेरी प्रायोरिटी सबसे गरीब आदमी, जो महात्मा गांधी ने कहा था, ये उन्होंने किया था। जान बूझ करके आप ओबीसी को गुमराह करने के लिए आप अभियान चलाना चाहते हो। आरएसएस जानते हो किस प्रकार काम करता है, आपको सचेत देना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, मैं ओबीसी का नहीं हूं क्या? मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी बैठी है, तीन बार मैं मुख्यमंत्री हूं, ओबीसी का हूं मैं। और आपको जानकारी होगी या जानकारी होगी, खुशी होगी, मेरी कम्युनिटी का पूरी असेंबली में एक ही मेंबर है, एक ही सदस्य है असेंबली में। मेरी कम्युनिटी सैनी माली कहलाते हैं, उनका एक ही मेंबर है और वो मैं खुद ही हूं। बता दीजिए आप, एक है वो मैं खुद हूं, तो मुख्यमंत्री बनता हूं बार बार, इससे बड़ा क्या हो सकता है मैसेज ओबीसी के लिए? बघेल साहब ओबीसी के नहीं है क्या? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किस मुंह से बात करते हैं, किस मुंह से लोगों को भड़काने के लिए पूरे देश में निकले हैं लोग?